अमित शाह आ रहे हैं बिहार फिर से। अमित शाह डाउन माइक डाउन, हर महीने आ ही रहे लेकिन गृह मंत्री होने के नाते नाते उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा कम से कम उस आग को तो बुझाएं, वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे और कोई है सत्ता में तो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। और बिहार भी आ रहे हैं तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो इन्हीं कामों में लगा। आप इंडिया की बैठक में आप लोगों ने 14 एंकर बैन कर दिया आपको देश में, तो क्या प्रॉब्लम में आ रहा है? बीजेपी परेशान है पत्रकारों को लेकर भी आप जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो उग्र होकर के डिबेट या एजेंडा जो चलाते हैं, जो बीजेपी मानसिकता के जो लोग, तो ये तय हुआ कि भाई ऐसे चैनलों में जाकर के कोई फायदा नहीं, बॉयकट करना चाहिए। वो जो सब ग्रुप कमिटी में जो है उसने ये तय किया है कि जो भड़काऊ बातें करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनको हम लोग बॉयकट करेंगे। बात समझना चाहिए, सभी 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 संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में, क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। लेकिन और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। इंडिया का गठबंधन सनातन को समाप्त करने के लिए बनी है, ये भाजपा कह रही है, क्या कहना चाहिए? बकवास बात, मुख्यमंत्री बकवास की बातें, कभी ये सब संभव है? मुख्यमंत्री जी कभी भी ये सब संभव है? तब बेकार की बातें। मुख्यमंत्री जी जब से दिल्ली से आए हैं तब से भाजपा के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, काफी खुश है, क्या लग रहा है? जब से बिहार में इंडिया की सरकार बन जाएगी पटना है तब से बीजेपी दिन भर मुंह में जहर रहता है, गुस्सा रहता है। अब बीजेपी पड़ोसती है दूसरों को नफरत, कम से कम इसी बात पे खुशी है तो और लड्डू खाएं।